दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है और हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी कोई अपडेट आता है, अपडेट छोटा हो बड़ा, सारे अपडेट आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करें, जिससे कि आपको पता रहे ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं, कहां तक बात पहुंची है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन धारक है, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित लगातार अपडेट पाना चाहते हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित सारे लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए जान लेते हैं पूरी डिटेल से इस अपडेट के बारे में। दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है ईपीएस 95 स्कीम के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी संभव नहीं, बजट समर्थन की होगी जरूरत। बाकी इस न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके अगर आपको दोबारा से इस न्यूज को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको पढ़ के पूरी डिटेल से इस अपडेट इस न्यूज के बारे में बता देता हूं। इस न्यूज के अनुसार केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की योजना इसके वित्तीय व्यवहार्यता से समझौता किए बगैर या अतिरिक्त बजटीय सहायता के संभव नहीं है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने ईपीएस 1995 के संपूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। इस समिति ने कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके अलावा गंगवार ने कहा कि योजना की वित्तीय व्यवहार्यता के साथ समझौता किए बगैर और या अतिरिक्त बजटीय समर्थन के न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी करना संभव नहीं है। सरकार ने पहली बार व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान कर 1 सितंबर 2014 से ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान करना शुरू किया है। हालांकि योजना में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि कर्मचारी पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस 1995 एक निर्धारित अंशदान निर्धारित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के प्रावधान के मुताबिक पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान एक फुल्ड अकाउंट से किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा 8.33% अंशदान, वैधानिक सीमा 15,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है और 1.16% अंशदान 15,000 रुपए तक कर्मचारी की ओर से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मंत्री ने बताया कि सदस्य को मिलने वाली पेंशन की राशि सर्विस की अवधि और वेतन जिस पर सदस्य द्वारा पेंशन फंड में योगदान दिया जाता है के आधार पर तय होती है। कर्मचारी यूनियन ईपीएस 1995 के तहत अधिक न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर जो है चारों तरफ से जो है दबाव पड़ रहा है, सरकार पर काफी बड़ा दबाव आ रहा है। शुरुआत में उन्होंने योजना के तहत 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन की मांग की। स्टार्टिंग में जो है 3,000 रुपए प्रति माह ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन उनको जो है मिलनी चाहिए, इसकी मांग की गई। बाद में उन्होंने न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए या इससे अधिक करने की मांग शुरू कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कर्मचारी यूनियन ईपीएस 95 के तहत अधिक न्यूनतम मासिक पेंशन के लिए सरकार पर दबाव डाल रही है और देश के चारों कोनों से ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर दबाव है। मंत्रियों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर काफी दबाव आ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन जो है उसको बढ़ानी चाहिए। शुरुआत में यहाँ पे बताया कि 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन की मांग की थी, बाद में न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपए या इससे अधिक करने की मांग शुरू कर दी है। और ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति है उन्होंने मांग करी है कि मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता उनको मिलना चाहिए और इसके साथ साथ जो कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में शामिल नहीं है उनको शामिल करें या फिर उनको हर महीने 5,000 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए और उनकी पति पत्नी को मुफ्त में चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो सरकार पर जो है काफी दबाव आ रहा है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। आने वाले समय में आपको जो है गुड न्यूज मिल सकती है, सरकार जो है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर निर्णय ले सकती है। इसके लिए आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो केस लिस्टेड थे उस पर सुनवाई चल रही है और वहां से भी फैसला आने वाले 3-4 दिन में आपको जो है देखने को मिल जाएगा। और यहां पर ईपीएस 95 के तहत पेंशन इंडेक्स या मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है और यह पूरे समय स्थिर रहती है। ईपीएस 95 योजना का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखने वाली बात यह होगी कि सरकार पर जो है दबाव आ रहा है काफी, जो यूनियन है ईपीएस 95 पेंशनर्स की उसके द्वारा, मंत्रियों के द्वारा और लोकसभा में राज्यसभा में भी जो है मुद्दा उठता आ रहा है लगातार कि मिनिमम पेंशन ईपीएस 95 पेंशन जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए। देश के जो 65 लाख पेंशनर्स हैं उनको जो है मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से जाकर बढ़ाकर 5,000 रुपए या फिर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता उनको मिलना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार 3,000 रुपए मिनिमम पेंशन करती है या फिर 5,000 करती है या फिर 7,500 रुपए प्लस महंगाई भत्ता करती है। तो दोस्तों अभी जो है सबकी नजरें टिकी हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा 4-5 दिन में आ जाएगा, हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे
उसके बाद ही सरकार निर्णय लेगी। देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है क्या निर्णय लेता है, आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आ सकता है और सरकार मिनिमम पेंशन 3,000 बढ़ाएगी या फिर 5,000 या फिर 7,500 रुपए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना और आगे जो भी कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट के साथ।